नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और सहायक पुलिस आयुक्त अश्विनी दोरजे इनके संकल्पना से और मार्गदर्शन में पुलिस दीदी और पुलिस अंकल अभियान चलाया जा रहा है, जिसे जनता का भी काफी प्रतिसाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। आइए डालते एक नजर। इस अभियान के तहत हिंगना के वैशाली नगर में हिंगना पुलिस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोग के पहले MIDC हिंगना के थानेदार PS नरके ने हिंगना शहर के सभी गणेश पंडालों में जाकर माथा टेका और विघ्नहर्ता से विनंती की, बच्चों में कम उम्र में शादी की भावना ना जागे। तत्पश्चात बच्चों से संवाद भी किया। कभी कभी जोश में आकर दो प्रेमी घर से भागकर शादी करने का फैसला लेते हैं, लेकिन आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भागकर शादी करने का यह मतलब नहीं कि आप सभी नियम कानूनों को ताक पर रख दें। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को विवाह करने की इजाज़त नहीं है और 21 साल से पहले लड़के की शादी नहीं हो सकती। इसलिए आप माँ बाप और सामाजिक दबाव से बच सकते हैं, लेकिन देश के कानून के हिसाब से उम्र से पहले शादी नहीं कर सकते। अगर कोई मोबाइल पर मैसेज अश्लील बातें करता है या कोई प्रेम का झांसा देकर शादी करने को कहता है या फिर कोई डरा धमका कर शादी करने का वास्ता देता है तो सीधे पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। IPC की धारा 363 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भी MIDC के थानेदार नरके ने वैशाली नगर में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को आश्वासन दिया। वहीं थानेदार नरके ने कहा कि सभी गणेश पंडाल में बच्चों के मार्गदर्शन हेतु सूचना बैनर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है 18 साल के नीचे नाबालिग लड़की के साथ शादी करना आदि करके भागना, ये सभी गैर कानूनी अपराध हैं। नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या अंतर्गत माननीय पोलीस आयुक्त सर अमितेश कुमार सर आणि माननीय जॉईंट CP मॅडम अश्वती दोरजे मॅडम यांच्या संकल्पनेतून व मार्गदर्शनामधून नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये पोलीस दीदी आणि पोलीस काका हे कार्यक्रम राबवले जातात। त्याअंतर्गत MIDC पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये आम्ही यावर्षी हा उपक्रम राबवत आहोत की सर्व जे गणेश मंडळ आहेत, तसे जे महत्त्वाचे चौक आहेत, या ठिकाणी या प्रकारचे बॅनर तयार करून आम्ही लावलेले आहेत। याचा मुख्य उद्देश आमचा असा आहे की पोलीस दीदी आणि पोलीस काका हे कार्यक्रम राबवताना लहान मुलांच्या बाबतीत जे काय चुकीच्या गोष्टी घडत असतील त्या आमच्यापर्यंत पोहोचाव्यात आणि त्यांनी समोर येऊन आम्हाला सर्व गोष्टी सांगाव्यात, हा त्यामधील उद्देश आहे। तसेच महत्त्वाचं म्हणजे 300 ज्यावेळेस एखादी 18 वर्षाच्या आतील मुलगी आणि 21 वर्षाच्या आतील मुलगा हा मैत्री करून पळून जाऊन लग्न करतात आणि त्यामुळे त्यांना जे पुढे त्रास सहन करावा लागतो किंवा 18 वर्षाच्या आतील मुलीचं घरचे जे लग्न लावून देतात कमी वयामध्ये आणि त्यामुळे गुन्हे दाखल होतात आणि पुन्हा त्यांना पुढे कोर्ट आणि या संबंधित सगळ्या प्रोसिजरला फॉलो करावा फेस करावं लागतं। तर यामुळे या ज्यामध्ये जनजागृती करणं महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे 18 वर्षाच्या आतील मुलीचं व 21 वर्षाच्या आतील मुलाचं लग्न केलं जाऊ नये, त्यांना शिक्षण घेण्याची त्यांना संधी दिली जावी यासाठी मुख्यतः हा कार्यक्रम राबवला जातोय आणि पुढचे 10 दिवस सर्व गणेश मंडळाला भेटी देऊन या ठिकाणी याप्रमाणे कार्यक्रम राबवला जाईल आणि यातून जनजागृती करून कायद्याचं पालन करण्याबाबत सगळ्या लोकांना आवाहन केलं जाईल। NBC न्यूज हिंगना से कॅमेरामॅन अजित कुवर के साथ आशीष गुंडानी की रिपोर्ट।